निशा रसोई चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ मांडा गोश्त की रेसिपी। ये है मेरा 1.25 किलो इतना मटन और ये है 2 कांदे जिसको मैंने काट के रखी हूँ, ये काजू, ये 4 मगज, ये तिल और ये 1 चम्मच भर के नमक, खड़े गरम मसाले में है हरी इलायची छोटी, काली मिर्च, शाहजीरा और ये फूल और ये भी दूसरा फूल और ये लौंग और ये तेज़पत्ता, ये बड़ी इलायची और ये दालचीनी, ये अदरक लहसुन का पेस्ट, सूखे मसाले में है हल्दी पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और ये भी गरम मसाला है जिसको एक मैं पीस लूँगी और एक मैं मटन में डालूँगी। ये दोनों में जायफल भी है, एक को पीस लूँगी, एक को मटन में डाल दूँगी। अब मैं इसमें एक कांदा डाल दूंगी और कांदे के बाद मटन डाल दूंगी, मटन डाल दूंगी और ये खड़े गरम मसाले ये भी डाल दूंगी, अदरक लहसुन का 1 चम्मच भर के, 1.5 चम्मच भर के और हल्दी पाउडर और सारों को मैं मिला के गला लूँगी और इसका मैं पेस्ट बना लूँगी और ये गरम मसाला एक भी पीस लूँगी मैं, नमक भी मैं डाल दूँगी। अब इसको गलने के लिए पहले 2 सीटी लूँगी फिर उसके बाद मैं पानी डाल दूँगी। अब अच्छे से मिला, अब मैं ये आटा गूंद रही हूँ। ये 1 कप भर के मैदा है और 1 कप भर के गेहूं का आटा है, ये दोनों को मैं मिक्स कर लूँगी और इसमें मैं नमक मिला दूँगी और इसको अच्छे से मैं दूध से भी गूंद सकते हैं आप, लेकिन मैं पानी से गूंद रही हूँ। कुकर खोल दी मैंने, अब इसमें मैं ऑयल डाल दूंगी और ये सूखे मसाले भी मैं डाल दूंगी। थोड़ा पकने के बाद मैं ये गरम पानी डाल के चढ़ा दूंगी। आटा गूंद के हो गया है, अब मैं इसको 1 घंटे के लिए थोड़ा ऑयल लगा लेती हूँ। एक घंटे के लिए रेस्ट पे छोड़ दूंगी। अब ये मटन में मैं गरम पानी इतना डाल दूंगी और ये गलते पड़े हैं। अब ये मेरा मटन अच्छे से गल गया है, अब इसमें मैं तिल, काजू, 4 मगज का पेस्ट डाल दूंगी।
मगज, काजू और तिल का पेस्ट डाल दी हूँ मैंने। अब इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी और इसमें कटोरी खंगाल के जो जितना पानी रखी थी ना, मैं उतना ही पानी डालूँगी। और इसको ठीक है, काजू और ये चार मगज और तिल कच्ची है तो मैं इसको पकने रखूँगी। और इस ये गरम मसाला मैंने पीसी थी, इसमें से मैं आधा डालूँगी और आधा बाद में डालूँगी। अब इसको मैं पकने के लिए गैस चालू कर दी। अभी अच्छे से सब पक चुका है, अब मैं बचा हुआ गरम मसाला इसमें डालूंगी। 2 मिनट के लिए पकने रखूंगी और ये तैयार हो गया। ये मैंने पेड़े बना ली हूँ और मेरा तवा गरम हो रहा है, अब मैं इसको बेल के सेक के निकाल। इसको आराम से उठा के, इतनी पतली होना चाहिए। देखिए हो चुकी है। अब मैं इसको ऐसा और ऐसा फोल्ड कर, मांडा गोश्त तैयार हो चुका है। अब इसमें मैं धनिया डाल रही हूँ। देखो उतने आटे में मेरे इतनी रोटी बन गई। 7 लाइक करो।